वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, वंस अगेन। और आज हम जा रहे हैं चोपता, बहुत ही खूबसूरत एक जगह है उत्तराखंड में, जहाँ से तुंगनाथ जो हमारे पंच केदार हैं उनमें से जो एक तुंगनाथ जी, जो विश्व का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे शिव जी का जो टेंपल स्थित है तुंगनाथ में, वो चोपता से ही निकलता है। अब आज हम जा रहे हैं चोपता, और उसके आगे अगर हम तुंगनाथ जा पाए तो तुंगनाथ भी जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ रुद्र है, रुद्र की ये दूसरी ट्रिप है। और रुद्र देखें यहाँ पर, हाय, से हाय, हाय। दोस्तों चोपता जाने के लिए हरिद्वार से आप पहले जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर, श्रीनगर से गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से फिर आप जाएंगे चोपता। दोस्तों हमारी डेट ऑफ जर्नी है 13 अगस्त, तो चोपता तुंगनाथ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल से अगस्त तक ही होता है। आपको फुल ग्रीनरी दिखाई देगी और सीनिक व्यू बहुत ही अच्छा होता है। आप सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा खूबसूरत रेनबो। देखो देखो देखो, पकड़ने जा रही हूँ उसको। अंदर जाओ, अंदर से पकड़ो, अंदर से, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, पकड़ो 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 पकड़ो। दोस्तों हम रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं, और रुद्रप्रयाग से पहले ये ढाबा है विनाश भोजनालय, और उसमें हम रुके हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये हमारी टीम, गाड़ी में ले जाना, अरे हमारी टीम टूट पड़ी है ब्रेकफास्ट में। ये देखिए आलू प्याज के पराठे, और बच्चों के लिए आई है मसाला मैगी। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत मैगी। तो ब्रेकफास्ट हो गया दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन चोपता की तरफ। बरसात में देखो दोस्तों हर जगह पानी ही पानी हो रखा है, और ये देखिए पहाड़ों की खूबसूरत खेती, धान की खेती इस टाइम पर है जो अक्टूबर नवंबर में कटेगी। अब ग्रीनरी देखिए कितनी शानदार है। दोस्तों जब हम वहां से निकल रहे थे तो सामने हमें एक माता जी दिखाई दी जो घास लेकर आ रही थी, इन्हें देख के आपको एहसास होगा कि पहाड़ के लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये मॉर्निंग में 6-7 बजे निकली होंगी, और अभी ये 12-1 बजे घास लेकर आ रही थी, और हम लोगों को यह बोल रही थी कि आप ज़्यादा पहाड़ी की तरफ मत जाएं क्योंकि बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। रुद्र, अच्छा। और अभी हम पहुंचे हैं उखीमठ, और ये रुद्र देखो यहाँ पर ठंडी में एंजॉय कर रहा है। डॉगी मिले हैं यहाँ पर रुद्र को, और रुद्र पूरा खिड़की से बाहर निकल के एंजॉय कर रहा है। ये देखो कितना खुश है। दोस्तों अभी हम चोपता से 6-7 किलोमीटर पहले हैं, और हम अभी
ढाई बज गया है, तो अभी हम लंच प्रिपेयर करने के, जैसे मैं बता रहा था कि हम आउटडोर में लंच करेंगे आज, तो अभी आउटडोर लंच बनाने का हमने सोचा है, तो अभी सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर। और नज़ारा आप देखेंगे पीछे तो बहुत बढ़िया, देखो पीछे आपको नदी है, एक यहाँ पर छोटा सा पुल है, आप अगर देख पाएंगे, और पीछे देखो आप नदी, और यहाँ पर हमारा जो हो रहा है सेटअप, ट्राइपॉड सेट हो रहा है, ट्राइपॉड से और अभी हम यहाँ पर बनाएंगे लंच। मैं आपको बता रहा था आउटडोर कुकिंग के लिए हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, और बगल में हमारा टेंट लग रहा है, अभी हम बना रहे हैं पुलाव। हमारे पास बर्तन नहीं है दोस्तों, तो हमने चावल धोने की टेक्निक निकाली है, अभी हम चावल भिगाएंगे। न्यूट्री हमने ऑलरेडी वहाँ हल्के से गरम उसमें पानी में भिगोने के लिए रख दिया, जिससे वो जल्दी भीग जाए। और ये देखो हमारे जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि चावल ये कम है, क्योंकि लोगों को भूख बहुत लगी हुई है। बस हल्की हल्की बारिश होने लग गई है, तो हमने फिर दोबारा अपना खाने का पूरा सेट चेंज करके अब देखो यहाँ जुगाड़ किया है। गाड़ियों के बीच में हमने तिरपाल लगा के, और जो कैमरे का देखो ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड को यूज करके इस पर हमने यूएसबी वाली एलईडी लगाई है, और यहाँ पर हो रही है देखो हमारी कुकिंग। दोस्तों अभी हम छिल रहे हैं पहाड़ी ककड़ी है, एक किलो की लगभग एक होती है। हम दोस्तों चार आठ लोग हैं, आठ एम साइज लेंगे। और ये आपको देखो तैयार, मैं आपको बताता हूँ कैसे खाते हैं, मैं भी बताता हूँ। अरे खा लो, खा रहे हो क्या? अरे वो क्या पार्टी के लिए अलग की बात, एक दोनों एक ही से खाओगे क्या? अगर आप इस तरफ आए तो पहाड़ी ककड़ी जरूर एंजॉय करो। दोस्तों रेडी है हमारा गर्मा गर्म पुलाव, जो हमने सबने साथ में एंजॉय किया। देखो दोस्तों इसको बोलते हैं सेफ बना डिशवॉशर, ये हमारा देखो सेफ अभी कुछ देर पहले हमारे लिए पुलाव बना रहा था, और अब देखो बर्तन धो रहा है। हमारा एक कर्मठ जुजारू हमारे साथ टीम है, देखो एक टीम वहां पर कंबल लपेट रही है, और एक टीम वहां पर देखो टेंट समेट रही है, और एक टीम वहां पर देखो आप देखेंगे तो वो पेड़ों के पीछे वो रील्स बना रहे हैं, वो दोनों कपल है हमारा जो जोड़ा वो रील्स बनाता है, रील्स बनाने में मशहूर है। हम बहुत लेट हो गए थे दोस्तों, क्योंकि हम बीच में रुक रुक के आए, बारिश भी थी, तो हमें शाम 5 बजे तो हमने लंच ही किया, और उसके बाद हम अब चोपता ना जाकर हम जाएंगे बनिया कुंडे, एक चोपता से पहले जगह है, और उस जगह में बहुत अच्छी कैंपिंग साइट्स हैं। हम सोच रहे हैं हम आज नाइट स्टे वहीं करेंगे, और मॉर्निंग में मौसम का हाल देख के आगे की जर्नी डिसाइड करेंगे। कोहरा देखिए दोस्तों, आगे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था,
दोस्तों ये है चोपता की मार्केट, सामने आपको जो दिख रहा है वो रास्ता जाता है तुंगनाथ। यहाँ पर हम अभी स्नैक्स वगैरह लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जहाँ हमने नीचे रिजॉर्ट में बात की है वहाँ उसके पास इवनिंग स्नैक्स में कुछ नहीं है पकौड़े के अलावा, तो हम मोमोज चाउमीन वगैरह लेने के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों ये है तुंगनाथ का रास्ता, अब ये है जो जगह है ये है चोपता। बारिश हो रही है यहाँ पर, देखो आप लोग दिख रहे होंगे बरसाती उड़े हुए। मुझे भी रास्ता दिख रहा ऊपर, ये जाता है तुंगनाथ। दोस्तों ये है हमारी कैंप साइट, कैंप साइट तो बहुत ही अच्छी है पर बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। हमारे कल के प्लान का भी मुझे लगता है अभी फाइनल नहीं, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरे चोपता में सुबह से बारिश ही हो रही है। दोस्तों ये है डिनर टाइम, और ये डिनर में देखो मिक्स दाल है, जीरा आलू, राइस, भिंडी और चपाती, और देखो ये चल रहा है डिनर। मॉर्निंग गाइस, और हम लोगों की ट्रिप बर्बाद हो गई लगता है, कल रात शाम 6 बजे से लगातार बारिश हो रही है, अभी आप देखेंगे पीछे कंटिन्यूस बारिश हो रही है। हम लोगों की सारी प्लानिंग जो थी, हम सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तुंगनाथ, अगर हम मंदिर तक नहीं भी पहुंच पाए, जहां तक हम पहुंच पाएंगे वहां तक जाएंगे, पर हम जा नहीं पाए, और जो व्यू था यहाँ का जिसके लिए हम यहाँ आए थे वो भी अब देखने को नसीब नहीं होगा, क्योंकि बारिश ही है और कंटिन्यूस बारिश चली रही है, एक मिनट के लिए भी बारिश पूरी रात में रुकी नहीं। अब हमारा देखते हैं ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे वापस, क्योंकि लगता नहीं है कि बारिश रुकने वाली है। यहाँ के व्यू के लिए जिसके लिए हम आए थे ये देखो आप अगर व्यू देखेंगे तो व्यू देखो यहाँ चौक का, आप इतना खूबसूरत व्यू है, ऊपर देखो आप, नीचे देखो यहाँ टेंट लगे हैं और ऊपर देखो बादल। धूप होती तो आपको यहाँ पूरा, यहाँ से पूरी हिमालय रेंज दिखती है, जहाँ पर अभी आपको व्हाइट दिख रहे हैं क्लाउड्स, यहाँ पर पूरी हिमालय रेंज यहाँ से दिखती है, चौखंबा रेंज पूरी साफ दिखती है यहाँ से, उसी के लिए हम आए थे। और मौसम यहाँ पर अभी भी 13 डिग्री टेम्परेचर है, ठंडा है बिल्कुल, और वहाँ ऊपर देखो मौसम कितना अच्छा है, पर हम कुछ कर नहीं सकते, ना ही फोटोग्राफी कर सकते हैं, ना ही कहीं कुछ एडवेंचर ट्रिप एडवेंचर राइड कर सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पर आसपास कुछ होता अगर तो, पर बारिश इतनी है कोई भी आपको टेंट के बाहर नहीं दिखाई देगा, सब टेंट के अंदर सो रहे हैं। अभी 7 बज रहा है, ये देखो आप, ये देखो दोस्तों एक और टेंट से निकल के आया है, और ये मांग रहा है हमसे नमक, दर्द होता है क्योंकि इसके पैर में चिपक गया है जोंक, ये देखो, ये देखो जोंक आपको दिख रहा होगा, और अभी हम इसमें चाय पी लेगा, दोस्तों अगर कभी आपको जोंक आपके पैर में चिपक जाए ऐसे बरसात के मौसम में, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें हल्का सा देखो आप नमक डालेंगे अगर, तो ये देखो आपको खुद ही ये जगह छोड़ देगा आपका जहाँ चिपकाओगे। देखो ये छोटा सा हैक, इसके मैं पैसे चार्ज करता हूँ वैसे, पर आपको फ्री में बता रहा हूँ, आप मेरे बस चैनल को लाइक कर देना। मौसम तो खुल गया था दोस्तों,
पर हम बहुत लेट हो गए थे तो हम तुंगनाथ नहीं जा पाए। हमने यहीं पर थोड़ा मौसम का मजा लिया। अगर आप कभी भी यहाँ आए दोस्तों तो बनिया कुंड जो चोपता से 14-15 किलोमीटर पहले है, आप जरूर यहाँ पर रुकें और कैंपिंग करें, क्योंकि यहाँ का व्यू बड़ा औसम है। मिलूंगा फिर मैं आपको किसी नई जगह, तब तक के लिए गुड बाय।